हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं 12th क्लास का वुमेन का टॉपिक्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आज से मैं कराऊंगा। और 12th क्लास में सबसे मेन जो टॉपिक हमारा है कैलकुलस का है, और कैलकुलस से आउट ऑफ 144 मार्क्स के क्वेश्चन आती है, और इसलिए इस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे तो मैं सारे चैप्टर को इजी वे से मैं उसके थ्योरी भी कराऊंगा और उसका एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारा कराऊंगा मैं, और जो भी आपको कोई डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो या कोई हार्ड क्वेश्चन लगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, उसका मैं इजी वे का जो सोल्यूशन होगा उसको मैं प्रस्तुत करूंगा उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस जो है हमारा 44 आउट ऑफ 100, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स से 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट और सेकेंड, ये दो चैप्टर्स जो है पार्ट 1 से हैं, ये पार्ट 1 दो पार्ट में हमारा बुक है। तो लेसन 1 ये फर्स्ट और सेकंड जो है पार्ट 1 का लेसन 5 और लेसन 6 है। लेसन 5 में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें हम लोग कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड लेसन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन कहाँ अप्लाई होता है उसमें हम लोग सीखेंगे। मतलब जो लेसन नंबर 5 है उसमें टोटली डिफरेंशिएशन है, और थोड़ा सा कंटिन्यूटी पार्ट है, और इसको हम लोग 11th क्लास में भी थोड़ा हल्का सा टच किए हैं, लेकिन 12th में उसको बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से हम लोगों को पढ़ना है। सेकंड में है ये लेसन नंबर 6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज, डिफरेंशिएशन का अप्लाई, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किस एरिया में किस जगह होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, और इसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। उसके बाद ये जो 3 लेसन है, लेसन 7, लेसन 8 और लेसन 9, ये पार्ट 2 से रिलेटेड है। पार्ट 2 करीब करीब टोटली कैलकुलस ही है। तो इसमें लेसन नंबर 7 जो है इंटीग्रेशन क्या है और उसका यूज कहाँ होता है हम लोग लेसन नंबर 8 में पढ़ेंगे, और सबसे अंतिम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग अभी एलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये सब पढ़े हैं, लेकिन अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और ये सारे चैप्टर मिलकर के 44 मार्क्स आते हैं। इतना ही हम लोग कर लें तो हमारा उसमें हमारी नैया पार हो जाएगी, हम लोग पास हो जाएंगे, केवल इतना हम लोग कर लें। और इतना यदि हम अच्छी तरह कर लेते हैं तो हमको पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि 60% मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आ जाएगा। और मेरा प्रयास कोशिश है कि आपको एटलीस्ट 80% मार्क्स आ जाए। आज मैं कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 का लेसन नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं, और उस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7
और एक क्वेश्चन और कराएंगे और बाकी सारे प्रश्नों को भी मैं क्वेश्चन को भी कराऊंगा। अब जो है ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी से रिलेटेड है और इसके पहले हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब कोई भी फंक्शन एफ एक्स कोई फंक्शन है टू बी कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, इसका लिमिटिंग वैल्यू एट गिवन पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू सपोज दैट एट एक्स इक्वल टू टू इक्वल टू तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल आने चाहिए। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है इसके दो वैल्यू होते हैं, एक होता है एलएचएल और एक होता है आरएचएल। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका होता है राइट हैंड लिमिट। ये दोनों वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू यदि तीनों इक्वल होंगे तो अब फंक्शन हमारा जो होगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डिफिनेशन भी दिया हुआ है, डिफाइंड है, और हमें बताना है वो सारे पॉइंट्स को जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये वी नो दैट, हम जानते हैं जितने मॉडुलस फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, वो सारे ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स पर वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो वी नो दैट मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ एक्स मॉड एक्स प्लस थ्री इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज लेस देन माइनस माइनस टू एक्स ये भी कंटिन्यूअस है, हमें भी बताया मैंने कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉइंट पर, रियल नंबर के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा।
देयरफॉर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स माइनस थ्री इस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होगा, माइनस थ्री से ग्रेटर और थ्री से स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद सिक्स ऑल्सो एफ एक्स, सिक्स एक्स प्लस टू, ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर इफ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, सारे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तब हमें अब सब पर कंटिन्यूअस है, तब हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू थ्री एंड x इज इक्वल टू माइनस। ये दो पॉइंट पे हमें चेक करना है, ये जो है फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो केस वन एट x इज इक्वल टू माइनस, इस पर हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों एक वो लाना है। तो एफ एक्स हमारा जो हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल किस कंडीशन में, तीन केस दिए हुए हैं कि एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री और थ्री के इंटरवल में है और एक्स जो है थ्री से ग्रेटर और इक्वल है। ये कंडीशन जो हमारा है वो फर्स्ट केस में मिल रहा है, माइनस थ्री से स्मॉलर और इक्वल, माइनस थ्री के इक्वल इसी में मिल रहा है। तो इस मोड को हम लोग लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा मॉड एक्स प्लस थ्री, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स के स्थान पर माइनस थ्री रखेंगे, अब ये जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री, माइनस थ्री का मॉड थ्री होता है, अब प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, यानी एफ एक्स एफ माइनस थ्री हमारा आ गया सिक्स। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एलेचल मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री माइनस एफ एक्स हमारा है मॉड एक्स प्लस थ्री। ये माइनस का मतलब है कि माइनस थ्री के पहले वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है पहले, राइट हैंड लिमिट का होता है बाद में, यानी माइनस थ्री के पहले का जो वैल्यू के लिए जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो अब इसमें इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें
वैल्यू डाल देंगे, माइनस थ्री प्लस थ्री ये जाएगा थ्री प्लस थ्री इक्वल टू, तो कॉपी कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। अभी आपने कर लिया, अब आगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया कितना, सिक्स आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट इसका फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स माइनस थ्री प्लस राइट हैंड लिमिट मतलब फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बैकवर्ड पीछे माइनस, राइट हैंड लिमिट मतलब प्लस उसके बाद वाला, उसके आगे वाला, उससे बड़ा। तो अब ये जो होगा, अभी देखते हैं किस केस में मिल रहा है माइनस थ्री से अधिक, इसमें तो नहीं है, माइनस थ्री के छोटा है या इक्वल है। थर्ड वाले में माइनस थ्री है ही नहीं, थ्री से बड़ा है या थ्री के इक्वल है। तो सेकंड केस हमारा जो है एक्स माइनस थ्री से ग्रेटर है, ये मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे, इसमें राइट हैंड लिमिट में इसको लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने इसको लिया था माइनस थ्री से छोटा, माइनस थ्री से छोटा फर्स्ट केस में मिल रहा है, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस थ्री। अब इसमें ले लेंगे हम लोग माइनस लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री प्लस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, ये माइनस टू है, माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा सिक्स। ये राइट हैंड लिमिट भी हमारा सिक्स आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा सिक्स आ गया। और उस वैल्यू पर फंक्शन की जो वैल्यू आई वो अभी सिक्स आई, यानी तीनों इक्वल हो गए हमारे, यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ माइनस थ्री। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। एक तो चेक हो गया हमारा, अब दूसरा चेक होगा एट एक्स इक्वल टू थ्री। अब दूसरा इसको भी कॉपी कर लीजिए, पूरा मिटा देता हूं, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब अगला अंतिम पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, हमने इसके कंटिन्यूअस की चर्चा करनी थी दो पॉइंट पर, माइनस थ्री एंड और थ्री पर, माइनस थ्री पर हम लोग डिस्कस कर लिए, माइनस थ्री पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब हम देखेंगे कि थ्री पर भी कंटिन्यूअस है या नहीं। उसके लिए सीधा सा कंसेप्ट है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि उसमें से एक भी यदि नहीं होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए केस टू स्टार्ट करते हैं। केस टू जो हमारा है, केस टू एट एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पर जो हम चेक करेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी बन रही है कि डिसकंटिन्यूटी बन रही है। तो उसके लिए हम x इक्वल टू थ्री, तो f x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू थ्री पर चेक करना है। अब देखिए थ्री किस में आ रहा है, इसमें माइनस थ्री आ रहा है, इसमें जो है माइनस थ्री से ग्रेटर और थ्री से स्मॉलर, इसमें भी थ्री नहीं आया। तो एक ही केस हमारे पास बनता है कि x जो है थ्री से ग्रेटर है और इक्वल टू है, इसलिए ये वाला पर्सन थर्ड पार्ट
हमारे लिए वैलिड है, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 2। अब ये 3 निकालेंगे, 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। एफ 3 की वैल्यू हमारी 20 आ गई। अब हम ये लेके लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, वो भी यदि सारे 20 आ गए तब तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड का मतलब उससे कम, कम का मतलब माइनस 3 माइनस, यदि 3 माइनस थ्री माइनस लेते हैं तो 3 से कम किसमें आएगा, इसमें आ रहा है माइनस 2x माइनस 2x आएगा इसमें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 6। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट मतलब अधिक प्लस अधिक वाले में यह आएगा हमारा 6x प्लस 2 एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस इक्वल टू 20। अब हम इसमें देख रहे हैं कि एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, देयरफॉर जो फंक्शन जो हमारा है एफ इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, यही हमारा आंसर हो गया। दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मैं